जन्म में भगवान ने अवतार लिया, उन्होंने कहा जाओ तुम हमें गोकुल पहुंचाओ नंद जी के द्वार में, हम वहां ब्रजलीला करेंगे। छोटे से गोपाल जी को छपड़ा में रख करके चले और कैसे जाएं सोच रहे हैं, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी किवार वज्र के ताले, कैसे जाऊं रे हाँ कैसे जाऊं रे हाँ नंदजू के द्वार, सोच रहे वसुदेव जी कैसे जाऊं रे हाँ कैसे जाऊं रे हाँ नंदजू के द्वार, सोच रहे वसुदेव रहे वसुदेव जी, सोच रहे वसुदेव जी, वसुदेव जी सोच रहे वसुदेव जी, कैसे जाऊं रे हाँ कैसे जाऊं रे हाँ नंदजू के द्वार, सोच रहे वसुदेव जी कैसे जाऊं रे हाँ कैसे जाऊं रे हाँ नंदजू के द्वार, सोच रहे वसुदेव जी, 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 कैसे जाऊं रे हाँ कैसे जाऊं रे हाँ नंदजू के द्वार, सोच वसुदेव जी जाऊरे हाँ जाऊरे हाँ झुके द्वार, सोच रहे वसुदेव जी, हाथ हथकड़ी पायन बेड़ी लग रहे वज्र किवार, हाथ हथकड़ी पायन बेड़ी लग रहे वज्र किवार, वज्र किवार पुराने किलों में होती थी जैसे अभी राजा के मंदिर में है, बड़ी ऊंची किवार और उसमें वज्र कीली कीले लगे हुए, सामने से कोई घुसे तो उसकी छाती फाड़ देंगे। ये वज्र किवार हम कैसे निकलेंगे, हाथ हथकड़ी पायन बेड़ी लग रहे वज्र किवार, हाथ हथकड़ी पायन बेड़ी लग रहे वज्र किवार, और बादल गरजे पानी बरसे
होर भयो अंधिया गर गर रे पानी बरसे घोर घोर से भयो भोर अधिया बादल गरजे पानी बरसे भयो भोर अधिया डरप रहे वसुदेव जी डरप रहे वसुदेव जी डरप रहे वसुदेव जी डरप रहे वसुदेव जी कैसे जाऊं रे हां नंद जू के द्वार सोच रहे वसुदेव जी कैसे जाऊं रे हां कैसे जाऊं रे हां नंद जू के द्वार सोच रहे सोच रहे हैं जमुना पार करनी है नदी चढ़ रही है नदी में भंवर हैं किनारा दिखाई नहीं पड़े कैसे जाऊं या पार मथुरा वा पार गोकुल बीच जमुन की धार मथुरा गोकुल बीच जमुन की धार या पर मथुरा वापर गोकुल बीच जमुन की धार या पर मथुरा वापर गोकुल बीच जमुन की धार पार मथुरा वापर गोकुल बीच जमुन की धार पार मथुरा वापर गोकुल बीच जमुन की धार चढ़ रही नदियां भंवर पड़ रहे सूझे नाही किनारे देख रहे वसुदेव जी वसुदेव जी देख रहे वसुदेव जी कैसे जाऊं रे हां कैसे जाऊं रे हां नंद जू के द्वार सोच रहे वसुदेव जी कैसे जाऊं रे हां कैसे जाऊं रे हां नंद जू के द्वार सोच रहे तब तक चमत्कार हुआ खुली हथकड़ी खुल गई बेड़ी और खुल गए वज्र की वार खुली हथकड़ी खुल गई बेड़ी खुल गए वज्र की वार खुली हथकड़ी खुल गई बेड़ी खुल गए वज्र की वार खुली हथकड़ी खुल गई बेड़ी खुल गए वज्र की वार भगवान की लीला
सोच रहे थे तब तक टर हथकड़ी टूट गई, पांव में झनझन सब बेड़ियां खुल गई और देखा किवाड़ वज्र किवाड़ अपने आप खुल गई, खुली हथकड़ी खुल गई बेड़ी खुल गए वज्र की वार, खुली हथकड़ी खुल गई बेड़ी खुल गए वज्र की वार। शेषनाग ने बारिश हो रही, 1000 फंड वाले शेषनाग जी छत्र के रूप में छाया कर रहे हैं दिखाई पड़े। शेषनाग ने छत्र करो है चमके नौ लख तार, शेषनाग ने छत्र करो है चमके नौ लख तार। शेषनाग 1000 फन वाले छाया कर रहे हैं द्वार पे और 9,00,000 तारे आकाश में चमकने लग गए। बस फिर जाए रहे वसुदेव जी, जाए रहे वसुदेव जी, जाए रहे वसुदेव जी, मथुरा सोयो गोकुल सोयो सोई सृष्टि सारी, मथुरा सोयो गोकुल सोयो सोई सृष्टि सारी। रात को तमाम कुत्ते भूखते हैं, बहुत बड़ा गोकुल नगर है, जाने कितने कुत्ते भूखेंगे जाने कितने लोग जगेंगे, लेकिन सब सृष्टि सो गई। मथुरा सोयो गोकुल सोयो सोई सृष्टि सारी, मथुरा सोयो गोकुल सोयो सोई सृष्टि सारी। नीलाधर लाली लय आए योग माया अवतारी, नीलाधर लाली लय आए योग माया अवतारी। नंद जी के घर में योग माया ने उतार लिया, चले गए गोकुल पार किया नगर कोई नहीं जगा। नंद भवन में गए सब पहरेदार सो रहे, गोकुल के कुत्ते सब सो गए। योग माया ने उतार लिया सारा संसार सुला दिया और लाली को लिया, लाए गए वसुदेव जी, लाए गए वसुदेव जी, कैसे जाऊं रे यहां कैसे जाऊं रे यहां नंद जू के द्वार, सोच रहे वसुदेव जी कैसे जाऊं रे यहां कैसे जाऊं।
जैसे ही कन्या ला करके उन्होंने देवकी जी को दिया, वैसे ही लग गए तारे, लग गई बेड़ी, रोई कन्या भारी। लग गए तारे, लग गई बेड़ी, रोई कन्या भारी। जैसे ही कन्या को दिया देवकी की गोद में, वैसे ही उनके हथकड़ी लग गई, पांव में बेड़ी लड़ गई और किवाने बंद हो गई, वज्रतारे फिर से जैसे कहते से रोई कन्या भारी, रोई कन्या भारी। आयो कंसा पटक पछारी, कंसासुर आया, लड़की ने चे चे आवाज लगाई, रोने लग गई, सब पहरेदार जग गए, दौड़ गए, अरे जाओ जन्म हो गया, आठवां गर्भ आ गया, दौड़ के कंस आया। आयो कंसा पटक पिछारी, आयो कंसा पटक पिछारी। देवकी माँ ने कहा, भैया ये तो लाली है, लाला नहीं है, इसको क्यों मारते हो, छीन लिया गोद से, नहीं आठवां गर्भ है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, इसको समाप्त करूंगा। कन्या को पटक दिया पत्थर की शिला में, एकदम मर जाए, लेकिन वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई। योग माया अवतारी, योग माया आकाश में अष्टभुजा देवी प्रकट हो गई। आकाश प्रकाश से भर गया, और हाथ जोड़ने लगे वसुदेव जी, अरे ये कौन है। कर जोरे वसुदेव जी, कैसे जाऊं रे हाँ, कैसे जाऊं रे हाँ, नदियों के द्वारा। सोच रहे वसुदेव जी, कैसे जाऊं रे हाँ, कैसे जाऊं रे हाँ, नदियों के द्वारा। सोच रहे वसुदेव जी, नभ में ठाड़ी ओरे अधम कसाई, बोली देवी नभ में ठाड़ी ओरे अधम कसाई, ओरे अधम कसाई, ओरे अधम कसाई। तेरो काल कहूं है प्रगट्यो, काहे शिशु मरवाई, तेरो काल कहूं है प्रगट्यो, काहे शिशु मरवाई। क्यों बालकों की हत्या कराता है,
सिर नावे वसुदेव जी, सिर नावे वसुदेव जी। Thank you.